साई कैबिनेट का गठन हो चुका है। 9 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के सभी विधायक शामिल हुए। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बसना के विधायक संपत अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं मंत्री बनने के सवाल पर संपत अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। हमारे साथ हैं बसना विधायक संपत अग्रवाल जी। बहुत बहुत बधाई, आप तो जीत कर आए, आज मंत्रिमंडल में शपथ भी ले लिए मंत्री लोग, आप लोग विधायक हैं, किस तरह के सहयोग और तालमेल की जरूरत रहेगी? भारतीय जनता पार्टी में हर बड़े से बड़ा नेता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, तालमेल सब बढ़िया रहेगा, सब हम लोग एक हैं, जो बन गए वो भी और जो नहीं बने वो भी। उम्मीद और है? उम्मीद के मैं बताया ना, पार्टी शीर्ष नेतृत्व जब जिसको चाहे बनाए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो इसमें कोई भी अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है ना हतोत्साहित होने की जरूरत है। सबको मिल के काम करना है, छत्तीसगढ़ का विकास करना है। जिन वादों के तहत आप आए और दावे कांग्रेस करती थी, उन वादों को पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी? और आप बसना से आते हैं, वहाँ पे पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे, तो कैसी परिस्थितियाँ वहाँ पे निर्मित होगी और नई परिस्थितियों में बसना को कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, इसलिए मोदी गारंटी की सारी योजनाएं हैं, पहले तो वो लागू करना और उसके बाद में अब हमारे क्षेत्र में जो जो विकास कार्य के लिए जो जरूरत होगी हम बताएंगे, वो अवश्य पूरे कर ली जाएंगे सभी मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संपत अग्रवाल बसना से विधायक है, इनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार बन गई है और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार होने के कारण जो क्षेत्र में काम करने के अवसर हैं वो ज्यादा मिलेंगे और जो काम है वो आसानी से होंगे। अजय सोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ तक।